परम सम्मान योग मंच ते सुभाईवान महापुरुष डॉक्टर साहबान विद्वान सज्जन और आप जी सारे स्रोतियां विच जुड़ बैठे स्रोतागण गुणी पुरुष सारिया नूं बड़े अदब सहित गुरफतेह अर्ज है प्रवान करना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आपां सवेर तो ही अज निर्मल संप्रदाय उदासीन संप्रदाय और सेवापंथी संप्रदाय इना तिना संप्रदावां दे महापुरुष स्टेज ते पहुंचे ने जी आया नूं। इना तिना ही संप्रदावां दे गुरमत विच साहित अते सेवा नूं देण विषय ते इह सैमीनार आयोजित होया। दो दिन दा सैमीनार है, पहले दिन दी समाप्ति ते इह पहुंच चुका है और कल फिर इस सैमीनार ने दे विच आपां ने कल फिर जुड़ना है। गुरमत विचार असी महापुरशां पासों भी श्रवण कीते ने और गुणी जन पुरशां पासों विद्वान पुरशां पासों भी श्रवण कीते ने। इन्हां तिन्हां संप्रदावां दी जिवें अज असी जानकारी प्राप्त कीती है, इन्हां तिन्हां संप्रदावां ने किवें सिख समाज विच सिख जगत विच आपो अपने ढंग नाल सेवा नूं निभाया है, उहदी मिसाल उह आप ही हन। कल नूं भी इसे तरह कि इन्हां तिन्हां संप्रदावां ने जिवें निर्मले संप्रदा विच विद्वान व्याख्याकार गुणीजन जिन्हां ने साडे गुरमत फलसफे नूं गुरबाणी विचार नूं बड़ा खोल के संगतां दे सामने बड़ियां मेहनतां कर करके रखिया और अज जरूरत है इन्हां महापुरशां दे। अज वैसे आपां कह देने आ कि ये एकेडमिक दुनिया है, पढ़ी लिखिया समाज है, बिल्कुल इस गल नाल दा सहमत है, पर जिस वेले ये संप्रदावां कम कर दियां ने जिस वेले तो उदों भी ये पढ़िया लिखिया समाज ही सी, अज भी पढ़िया लिखिया समाज है। इन्हां संप्रदावां विच विद्वान पुरश पढ़ पढ़ के मेहनत कर करके जिन्ने किसे संस्था विच रख के विद्यार्थी नूं गुरबाणी व्याख्या पढ़ाई जाती है, इतिहास पढ़ाया जाता और नाल प्रैक्टिकल भी, इन्ने दिन तू सेवा करनी है, इन्ना सिमरन करना है, इन्ना नितनेम करना है, भला जदों उन्हूं भट्ठी विच आ के कुंदन बनाया गया फिर कल नूं क्यों नहीं किसी का शिंगार बनेगा। जिन्ना चिर तक जिहड़ा ज्ञान है असी बड़े थोड़ा जिहा सानू अपनी मानसिकता कई बारी महसूस करते हैं भी शायद संकीर्णता वल वध गई। एक साधु दे कोल रह के जिन्ना विद्यार्थी सीख सकता है शायद होर किसी को रह के वो सीख नहीं सके। साधु ने सिखाना है किवें झुकना है, किवें नमस्कार करनी, दास आप ही आप जी ना कि छोटी जी गल सांझी करके एक महापुरशां दी तियां अपनियां वड्याईयां हुंदियां। साडे महापुरश एक वेले नमस्कार करदिआं दास ने थल्ले हथ ला के नमस्कार गुरु साहिब जी नूं कीती
अक्सर मत्था टेक लगे हाथ थले लग जाते ने जाके चौर साहब पकड़ लिया तो उन्होंने बड़ी तारना की नहीं ये सावधानता चाहिए है जड़ा गल में हजूरिया पाया थले रख के है ये गल्लां बड़िया छोटिया लगदियाँ पर बड़िया बरीक ने गुरु को रहन वास्ते गुरु नाल ते तां हंडावांगे जे पहला साध नाल हंडाई होवेगी बहुते ते चेते रखना साध दे कोलों साध दे कोल रहना कोई सौखी गल नहीं उते वैसे बड़ी रियायत कर देंदे ने मैं समझना जो अपनी दयालता नाल रखण ते विद्यार्थी रह सकदा है जे सुई दे नके विचों कढ़ण ते रह नहीं कोई सकदा कोई जिनी को कमाई वाले जिनी साधना वाले ओने पढ़ा किड़ा विद्यार्थी बनेगा ओनी साधना वाला तो इन्हां महापुरुषां ने जिन्ने विद्यार्थी बनाए आप जी हुणे श्रवण कर रहे सी श्रीमंत साहब और साढ़े सत्कारी संत बाबा जो सिंह ऋषिकेश वाले महापुरुष स्टेज ते सुभायमान ने ते बड़िया बड़िया उच्चिया शख्सियतां ने नाल ही दसते बैठे संत बाबा तेजा सिंह जी तुसी जानते जो तो बोलते ने विद्या का ज्ञान इन्हां गल्लां तो समझ आउंदी है कि वड्डे महापुरशां को रह रह के किन्नी कु साधना कीती हो और किन्ना कु घड़िया हो तां एक विद्यार्थी जिहड़ा है वह संगत दे रूबरू हुंदा आ जरूरत है भावें असीं कहिंदे आ बच्चे कालजां विच पढ़ के कथावाचक बन कीर्तन सिखन पर मैं अर्ज करदा जे किसी साध दे डेरे विच विद्या सिख के भांडे नहीं मांजे माला नहीं फेरिया बाणी नहीं पढ़ी तो जो वो धर्म सिख्यार्थी जाके बाहर लोगों नूं दसेगा केवल तो केवल कमर्शल होएगा माया ग्रहण लई उहदा उस दे नाल कोई वाह वास्ता नहीं होएगा ये तो साधना बाद दो चार साल ला के फिर विद्यार्थी अगे चमके तो फिर पता चलता भी वाकई साडा प्रचार हो रहा साल विच दो दो तीन तीन सौ कथा बाद दो दो तीन तीन सौ कढ़ देना भी चलो यही गल वाद विवाद का कारण है ना सप ने शां कीती है ना बाबे ने साधा नूं लंगर छकाया क्योंकि आप ही पता डेढ़ दो साल च की पता चलेगा ये सारिया गल्लां दा पता चले जदों किधरे भांडियां ते खलोता होवे भाई वीर सिंह साहब ने कहा सी कह लगे बड़ा विद्वान ते गुरु नानक दे घर आया अड्डियां चुक चुक के तुरदा सा कह लगे मैनू नहीं प्रवान भांडा बड़ा मैला जाके पेशाब कर पहला सिर कच कौल बना हाथ लीता पढ़िया द्वाले फिरिया दर दर दे टुक मंग मंग पाए तुन तुन इस नूं भरिया भरिया देख अफरिया फिर मैं जाना ज्ञानी होया एक दिन एक चकौल लै मैं सतगुर अगे धरिया तो उन्हें की आख्या झूठ झूठ कर ये प्रवान नहीं बड़ा कुछ है तेरे कोल तू समझदा होवेगा फिर कहिंदे गुरु ने जदों बख्शिश कीते सेवा कराई सिमरन कराया फिर पता चल गया एक चकौल अज कवल वांगू खिड़ गया मैं अर्ज कर रहा सां महापुरशां दे कोल रह रह के ये महापुरश का ढंग विद्या पढ़ाने का कल आप जी दे समक्ष एक पेपर भी साझा होवेगा विद्या पढ़ाने का ढंग ये है वो ये नहीं कहते भी काका तू मेरे सामने बह जा मैं तेरी क्लास घंटा डेढ़ चंगी तरह ला देना नहीं वो तो कहते एक लैसन लै पहला पका फिर तीन जिन्हें ग्रहण किया उन्हें भी सेवा सिमरन ते साधना नाल ते धर्म ने सदिया बाद भी जिन्हें ग्रहण करना उन्हें भी ये नियम अपना नहीं पैने उस करके महापुरशां ने साधना विचों कमाइया विचों जिहड़ियां घालणावां घालियां इन्हां तिन्नां संप्रदावां दे महापुरशां वो अपनी मिसाल आपने तुसी सारे आए समूह स्टेज ते उपस्थित महापुरशां दा और विद्वान सज्जनां दा डॉक्टर साहिबानां दा आप जी सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद गुरु कृपा करे असीं महापुरशां कोलों
सीख के इन्हों दो दिन के सैमीनार विचों अपने जीवन उस मार्ग ते तोर सकी। बहुत बहुत धन्यवाद। कल नूं फिर सवेरे आपां ने इस सैमीनार दे विच जुड़ना है। सब दा धन्यवाद। गुरु कृपा करे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।